वेलकम टू वीआरटी क्लासेस, माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि आप मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, दो तीन दिन आपका गैप हो गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेटअप नहीं हो पाया था, है ना। ठीक है, मैट्रिक्स उन्होंने कितना पढ़ा था, मैट्रिक्स सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, जितने टाइप्स के मैट्रिसेस थे मैट्रिसेस देख लिए थे, है ना, ट्रांसपोज देख लिया था, ट्रेस देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। अब मैंने क्या बोला था, अब मैं बताऊंगा कि आप किसी मैट्रिक्स का एडिशन देखा था, सब्सट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन, आपने सब कुछ सीख लिया था। ठीक है, अगर उसमें किसी दिक्कत हो आप प्रैक्टिस करो, नहीं होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करें, है ना। तो इसके दो मैथड होते हैं, ठीक है, मैथड इसके तीन होते हैं। पहला तो एलिमेंट्री होता है, एलिमेंट्री में दो आ जाते हैं आपके, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो चाहे रो लगाए या कॉलम लगाए, आपको एक मेथड आना चाहिए जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा, उसके बाद एक मेथड बताऊंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए वाला। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, उसके बाद डिवाइड कर दोगे मॉड ऑफ ए से, तो वहाँ से ए इनवर्स निकाला जाएगा, वो तो आपके डिटरमिनेंट्स में है। ठीक है, जहाँ पे आपको थ्री वेरिएबल में इक्वेशन होती है, वो तीनों वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए वाला मेथड सिंपल लगाते हैं, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके बोर्ड में डायरेक्टली बोला जाता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले में इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई, है ना, तो पहले निकालेंगे, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले देख लें, इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और दूसरी चीज़ कब इनवर्स पॉसिबल होगा, है ना, कब मैट्रिक्स इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हम देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई मैट्रिक्स हो आपका, सबसे पहली बात तो इनवर्स आपका किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। तो आप एक पॉइंट लिखिए, इनवर्स ऑफ स्क्वायर, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली, है ना, मतलब कि आपके केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, कभी रेक्टेंगल का नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m इज इक्वल टू n, सिंपल, m इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, है ना, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स इज पॉसिबल, है ना, इन केस ऑफ रेक्टेंगल मैट्रिक्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, सिंपल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब इनवर्स आप निकालोगे, ठीक है, तो जो स्टेप्स पहले स्टेप बताऊंगा उसके लिए, अगर कोई एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम जीरो हो गया, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, है ना, उसका कराऊंगा, फिर उसके बाद और मैं जीरो वाला लेकर कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों मेथड बताऊंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए वाला भी बताऊंगा, ये वाला बताऊंगा, क्यों ऐसा नहीं होता है, है ना। ठीक है, तो जरा देखें, पहला स्टेप क्या है आपका, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए आप जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको डैश करके लिख लीजिए स्टार लगा के। ठीक है, इफ एनी रो और कॉलम बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो ड्यूरिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक, मतलब कह क्या रहे लेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम, मिनिमम एक रो, मैक्सिमम आपके तीनों जीरो हो सकती हैं, है ना, या दो जीरो हो सकती हैं। ठीक है, तो मिनिमम एक रो या एक कॉलम अगर पूरी तरह से जीरो हो गया, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद कि कैसे हम इनवर्स निकालें, है ना, तो कैसे देखो, जो मैट्रिक्स इनवर्स निकलता है वो इन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, चलो ठीक, वो तो बात की बात, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में बताऊंगा अभी, है ना। उसके लिए देखो जरा ध्यान से, हम लोग ने एक यूनिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, एक पढ़ा था हमने यूनिटी मैट्रिक्स। तो एक काम करें, अगर यहाँ ए लिखें, अगर मैट्रिक्स ए है, तो ये किसके इक्वल होगा, सेकंड मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, नहीं होगा, ये तो क्लियर कंफर्म है। अगर यहाँ पर ए है, तो यहाँ भी मैट्रिक्स ए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम इस ए में आई से मल्टीप्लाई करवा दें, आई क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स है, अगर टू बाई टू का होगा तो आई कितना हो जाएगा, आई टू बाई टू कितना होगा, अभी आगे हम लोग टू बाई टू देखेंगे। ठीक है, तो वन जीरो जीरो वन, ठीक है, टू बाई टू होगा। अगर आई थ्री बाई थ्री है, मतलब ए अगर टू बाई टू का है, तो आई क्या लेंगे, टू बाई टू का लेंगे। अगर ए आपका थ्री बाई थ्री है, तो आई क्या लेंगे, थ्री बाई थ्री लेंगे। थ्री बाई थ्री क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब कि जैसा ऑर्डर आपका मैट्रिक्स ए का होगा, वैसा ही ऑर्डर किसका होगा? आपका यूनिटी मैट्रिक्स का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएं, इफ अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएं, इसको अगर आई आई बना दें, इसको हम किसके इक्वल करते हैं? आई के। ठीक है, आई मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन होगा। आई का एंट्रीमेंट कितना होगा? वन होगा। तो ए में अगर आई से या वन से मल्टीप्लाई करो तो ए ही तो आएगा, इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अच्छा अगर किसी तरह हम इसको क्या कर दें? आई कर दें, है ना, तो यहाँ पे ए तो रहेगा ही, और ये क्या बन जाएगा? आई ए इनवर्स बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब कि मैट्रिक्स ए को आप आई बना दो, ठीक है, मैट्रिक्स ए को आप आई आई क्या कर दो, बना दो। ठीक है, तो जहां पर आई है क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा, और ए को आइडेंटिटीज लिखेंगे। आप इक्वेशन कंपेयर कर देना, मैट्रिक्स ए को आई बना दो, ठीक है, तो आई क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, कैसे बनाना है मैं अभी स्टेप बताता हूँ, वो ये वही जो स्टेप इसमें बताऊंगा वही आपका 3x3 है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे जितने भी केसेस में करवा दूंगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई आपको पहले लिखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको ये स्टेप लिखोगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए, फिर मैट्रिक्स ए वैल्यू यहाँ रखोगे, आई यहाँ पे, ए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ एज इट इज ए लेके चलना है, जो मैट्रिक्स होगा उसको ए लेके चलो, एक लेटर से लिख के। ठीक है, उसके बाद इस मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा के 1001 बना दो, तो यहाँ पर जो बन जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही ऑपरेशन इसमें लगाओगे। ठीक है ना, तो जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही इसमें लगाओगे, तो अगर ये आई बन गया तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा। ये दो इक्वेशन याद कर लीजिए। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स के हो जाएगा अगर ए आई बन गया। ठीक है, अगर इतना आपको याद हो गया, और दूसरी चीज मैंने क्या बोली, अगर मान लीजिए आप एलिमेंट्री ट्रांजिशन लगा रहे हैं और बाई चांस कहीं पे कोई रो, सिंगल रो या सिंगल कॉलम जीरो हो जाए, सिंगल या दो रो, है ना, मिनिमम एक रो या एक कॉलम जीरो हो गया, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट मैं बता दूंगा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, है ना, सबसे पहली बात तो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी कि सारी रो या सारे कॉलम एलिमेंट्स, सारी रो या सारे कॉलम जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी रो पूरी तरह जीरो नहीं होनी चाहिए, एक ना एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए। ठीक है, है ना, ठीक है, अगर कोई भी रो या कोई कॉलम एक पूरी तरह जीरो हो जा रहा है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन्वर्स। ठीक है, अभी क्यों नहीं करेगा आगे बात करेंगे जब एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है लिख लो, 2 1 1 -2, क्या क्वेश्चन है? 2 1 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 1 -2, ये आपका क्वेश्चन है, ये आई थिंक एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितने बाय कितने का है? 1 2 रो 1 2 कॉलम, है ना, तो आप इस देखो रो, अब लगाना क्या है? रो ऑपरेशन लगाना है, तो हम किसको डिनोट करेंगे? रो को, तो ये क्या हो गई? आर वन हो गई, ये क्या हो गई? आर टू हो गई। देखो ये पूरी रो आर वन है, ये आर टू है, ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, तो आपको कॉलम वन कॉलम टू नहीं लिखना है, आपको आर वन आर टू लिखना है। ठीक है, क्यों लिखोगे? क्योंकि यहाँ से आपको ऑपरेशन से आसानी समझ में आएंगे। अच्छा, ऑपरेशन लगते कैसे हैं? मतलब सीधे सी बात है, दो रो या दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब आर वन इंटू आर टू नहीं कर सकते, बट आर वन प्लस आर टू कर सकते हैं, आर वन माइनस आर टू कर सकते हैं, 2R1 + R2 कर सकते हैं, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अभी ऑपरेशंस लगते कैसे हैं? मतलब कि आपके R1 into R2 नहीं होगा, R1 plus minus R2 होगा, है ना, या KR1 plus minus K1R1 plus minus K2R2 होगा। ठीक है, यही दो तीन ऑपरेशन लगते हैं, बाकी आपके कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेंगे, मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन नहीं लगते हैं कि दोनों रो को मल्टीप्लाई करवा दो, है ना, मतलब एक सिंगल रो में मल्टीप्लाई होता है स्केलर से, बट दोनों रो का मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है। ठीक है, इतना समय आया? अच्छा, तो आगे आप केवल रो लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए पहले हम डेफिनेशन उठाएंगे कि कैसे आपका इन्वर्स निकलता है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो हमने अभी क्या सीखा था? हमने बोला था कि ए इज इक्वल टू क्या आपको लिखना है? आई इंटू ए लिखना है, नहीं लिखना है, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है, ये कितने बाय कितने का है? 1 2 रो 1 2 कॉलम, कितने बाय कितने का है? 2 रो 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम का है, तो ए कितने बाय कितने का हो गया? 2 1 1 -2 हुआ कि नहीं हुआ? इज इक्वल टू आई कितने बाय कितने का? मैंने बोला जितने बाय जितने का ए होगा उतने ही बाय उतने का क्या होगा? आई होगा, तो आई क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 इंटू क्या होगा यहाँ पे? ए होगा। ठीक है, ये कितने बाय कितने का है? 2 बाय 2 का। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप बार बार मत लिखिएगा,
ठीक है, इस रो की वैल्यू, इस ए की वैल्यू नहीं लिखनी है, इसको एडिटिव आप लेके चलोगे, ठीक है, ये चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 ये एडिटिव चलेगा, ठीक है। अच्छा मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो करना क्या होता है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट क्या था, I इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू ए होता है, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स क्या होगा 1/a और ये कैंसिल आउट 1 बच जाएगा, तो जब ये I है मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स होना चाहिए I आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे I मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाए उठ के, है ना, तो क्या करना होगा, इसको पहले 1 बनाओगे, ठीक है। मतलब देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट रो ये R1 है ना, ये R2, सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसकी नीचे उसकी हेल्प से उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करेंगे, ठीक। उसके बाद सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करेंगे, फिर क्या करना है, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, 0 करेंगे, 3x3 का हो गया, है ना। तो यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बना के चलना है, ठीक है। तो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं कॉलम वाइज चलेंगे, है ना, देखो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 1, तो जो ऑपरेशन इस यहाँ लगाओगे उधर, यही ऑपरेशन कहाँ लगाओगे, RHS में, ठीक। तो ये चीज बताओ, दो तरीके हैं, इसको 1 बनाना है तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे दो रो मल्टीप्लाई नहीं होती है, बट दो रो ऐड हो सकती हैं और सबट्रैक्ट हो सकती हैं, तो क्या लिख सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो इसमें कैसे पढ़ोगे, इन R1 किस में लगा रहे हो, R1 में, किसके एलिमेंट को 1 बनाना है, R1 के बनाना है ना, क्या लिखोगे, इन R1 माइनस, देखो जो यहाँ पे रहेगा उसको पहले लिखना है, R1 देखो इन R1 माइनस R2, देखो 2 में से 1 अगर चला जाएगा, देखो 2 में से अगर 1 चला गया तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पे, है ना, किस में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही ऑपरेशन कहाँ लगेगा, यहाँ पे, तो इन R1 माइनस R2, नहीं समझ आया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो करना क्या है, आप R1 रो उठा लीजिए, यहाँ पे आपने R1 उठाया, R1 क्या था आपका, R1 था 2 1, ठीक है, माइनस R2, माइनस R2 उठाइए, तो R2 क्या था आपका, R2 था आपका 1 माइनस 2, और जब माइनस R2 करोगे तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, है ना, ठीक है। अच्छा 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब ये कितना आ गया, 1 × 3। अभी किस में लिखना है, इन R1 है, तो रो R1 कितनी हो गई, 1 3 हो गई, देखो इन R1 लगा रहे हो ना, तो R1 के एलिमेंट्स जिसमें लगाओगे उसके एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 1 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 1 3, ठीक है, जब आपका यहाँ पे 1 3 आ गया, 1 3, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाओ, तो जब R1 माइनस R2 करोगे तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 एंड 1, और मैट्रिक्स यहाँ पे क्या लिख लिया, ए लिख लिया, इतना समझ में, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है, ठीक है, आगे भी नहीं होगी, अभी आ जाओ आगे जल्दी से, है ना। अभी मैं शॉर्ट मेथड में बताऊंगा इसके बाद, बहुत ईजी मेथड, बिल्कुल सिंपल है, मेथड बताऊंगा, कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है। अब पहले क्या बताया था, आपका ये एलिमेंट देखो 1 बन गया, ये 1 बन गया, अब इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट सबको क्या करोगे, 0 करोगे, क्योंकि देखो 1 के नीचे क्या था, 0 था, ठीक है, तो मैंने इसको 1 बनाया, अब इसके नीचे इसको क्या करेंगे, 0 करोगे, ठीक है। याद कैसे रखना है आपको, देखो आप एक काम करो, ये 1 बनाओगे 2x2 में, ये 0 बनाओगे, ठीक है, ये 1 बनाओगे और ये 0 बनाओगे, ये 2x2 की बात हो गई, मतलब एक मिनट, ये 1 बनाओगे, ये 0 बनाओगे, फिर ये 1 बनाओगे और ये क्या बनाओगे, 0 बनाओगे, ये 2x2 बात हो गई, 1 0 1 0, है ना, ठीक है। सिंपल प्रिंसिपल एलिमेंट्स को आपको 1 बनाना है, सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट को 1 बना लिया, ठीक है, फिर क्या किया यहाँ पे, फिर हमने किया है, अब इसको 1 बना लिया, अब इस एलिमेंट क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो किसमें ऑपरेशन लगाना है, किसके एलिमेंट को 0 करना है, R2 के, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, R2 के एलिमेंट को 0 करना है, ठीक है, जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर लगाएंगे, तो क्या लिखें, किसमें लगाना है, 2 R2 के एलिमेंट को 0 करना है ना, तो किसमें लगाना है, 2 में लगाना है, R2 में लगाना है, और लिखना क्या है, इन R2, तो जो यहाँ पे वो यहाँ पे, इन R2, R2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ इस रो में से इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दें, है ना, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 1 माइनस 0, ठीक है। तो R2 आप लिख लीजिए, R2 कितना है आपका, R2 है 1 माइनस 2, ठीक है ना, और R1 कितना है, 1
थ्री, और कर रहे क्या रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो यहाँ माइनस है ना, तो क्या बन जाएगा जीरो और माइनस टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस फाइव आई है। अब चेंज कौन सी रो होगी जिसमें लगाए हुआ, कौन सी आर टू चेंज होगी, तो आर वन क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आपका क्या आ गया जीरो माइनस फाइव, ठीक है। आप ना लिखो ऐसे कर सकते हो, बट लिखना जरूरी होता है क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होती है। जैसे मैं लिखते चल रहा हूँ, आप पेंसिल से लिख के चलोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका आर टू क्या बन गया, अगर आर टू की बात करें तो आर वन तो कॉन्स्टेंट रहेगा वन थ्री, यहाँ क्या बन जाएगा जीरो एंड माइनस का फाइव, ठीक है। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, इज इक्वल टू क्या होगा, जो ऑपरेशन इधर लगा है वही ऑपरेशन इधर लगेगा। तो इन आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर वन, तो जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा ना क्योंकि आर टू लगा रहे हो, जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा समय था कितना समय। अच्छा, इसके बाद बात करें, अब देखो क्या मैंने बोला था कि देखो सबसे पहले यहाँ पे वन था, यहाँ जीरो था, देखो यहाँ वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया। अब देखो यहाँ वन है ना, तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट क्या बनाएंगे, वन बनाएंगे। देखो प्रिंसिपल एलिमेंट लेके चल रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाना है, उसके नीचे के जीरो, फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को वन बनाना है, ऊपर उसके ऊपर नीचे के जीरो, फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को जीरो बनाना है ना, वन बनाना है, फिर उसके ऊपर नीचे सारे जीरो, ठीक है। ये आपका रोल होता है। तो आपको ये देखो यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे फाइव है ना, अब क्या करेंगे, देखो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर इसको इसमें ऐड करोगे तो यहाँ बना जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसको करने के लिए क्या कर दोगे, माइनस फाइव से इसको क्या कर दो, आर टू को डिवाइड कर दो, है ना, आर टू को क्या कर दोगे माइनस फाइव से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन आर टू किस में लगाना है, आर टू में लगाना है, क्योंकि देखो किसके एलिमेंट के जीरो को वन बनाना है, आर टू के, तो आर टू डिवाइड बाई माइनस का फाइव, है ना। यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ क्या लिखोगे, आर टू डिवाइड बाई माइनस का फाइव, ठीक है। जब माइनस फाइव से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आर वन तो सेम रहेगी वन थ्री जीरो वन, है ना, और आर टू में क्या चेंज होगा बताओ, यहाँ पे क्या चेंज होगा, वन माइनस वन, देखो माइनस फाइव बाई माइनस फाइव वन ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस वन बाई माइनस फाइव क्या हो जाएगा, वन बाई फाइव, तो टू बाई माइनस फाइव, तो माइनस का टू बाई फाइव, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया नहीं आ गया, ठीक है। सुन आप, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर वन था, अब इसकी हेल्प से इसको क्या बनाना है, जीरो, तो यहाँ पे वन है, इस वन की हेल्प से इसको क्या बनाओगे, जीरो, तो किसकी हेल्प ले रहे हो, आर टू की, ये क्या है आर वन है, ये क्या है आर टू है। तो अब क्या करें, आर वन में किस में लगा रहे हो, आर वन में, तो इन आर वन है ना, किसके एलिमेंट के जीरो बनाना है, आर वन के, तो इन आर वन क्या करोगे, आर वन माइनस, है ना, माइनस करोगे। अगर इस रो में थ्री से मल्टीप्लाई करते थ्री बन जाएगा, और थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा, जीरो, थ्री थ्री आर टू, आर वन माइनस थ्री आर टू, यहाँ भी वही ऑपरेशन लगाओगे, तो इन आर वन, आर वन माइनस थ्री आर टू, ठीक है। इतना समझ में आया, आप इसको नोट कर लो, मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन, वन माइनस जीरो क्या हो गया वन। अच्छा थ्री माइनस थ्री, देखो थ्री आर वन, आर वन क्या था, वन थ्री था, है ना, आर वन था आपका वन थ्री, और आर टू था थ्री आर टू क्या होगा, जीरो एंड थ्री हो जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे रो में, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो जो माइनस करो तो यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या आएगा वन जीरो, है ना, क्या बन जाएगा वन जीरो, और सेकंड रो क्या रहेगी सेम रहेगी जीरो वन। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसका कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ इसको। अच्छा किसमें लगाना है, इन आर वन, तो आर वन आप लिख लो, है ना, तो क्या है आर वन माइनस ना, तो वन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद माइनस थ्री आर टू, तो थ्री आर टू क्या होगा, थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव माइनस का सिक्स बाई फाइव, और माइनस लगाओगे ना यहाँ पे, क्योंकि क्या है माइनस आर टू है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, कि बीच में क्या था माइनस था, तो चाइनस साइन चेंज होगा, तो वन माइनस थ्री बाई फाइव, वन माइनस थ्री बाई फाइव कितना होगा टू बाई फाइव, माइनस वन प्लस सिक्स बाई फाइव, बोलो वन बाई फाइव कितना आ गया, टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, यहाँ पे कितना आ गया टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, और यहाँ पे क्या आएगा वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव इंटू ए। इतना समझ में आया नहीं है, अच्छा क्या ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, ये देखो आई बन गया कि बन गया, ये ए है ना, ये देखो आई है कि नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है ए है, तो ये क्या होना चाहिए, ए इनवर्स होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब ए इनवर्स क्या निकल गया, ये चीज जो ए का मल्टीपल मिलेगा वही क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स कितना आ गया आपका, अगर इसका आंसर देखा जाए तो क्या आना चाहिए, सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, ठीक है। इन आर वन माइनस थ्री आर टू, है ना,
तो आर वन माइनस थ्री आर टू, आर वन क्या था, आर वन था वन, कहाँ पे लिखा मैंने, वन माइनस वन, और थ्री आर टू क्या होगा, माइनस थ्री आर टू, थ्री बाई फाइव और सिक्स बाई फाइव, तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस थ्री बाई फाइव मतलब टू बाई फाइव एंड वन बाई फाइव, ठीक है, समझ आया इतना। ये क्या आ गया आपका, ए इनवर्स आ गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ए इनवर्स इज इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं और इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो जब कंपेयर करोगे तो ए इनवर्स कितना आया बेटा जी, यहाँ पे ए इनवर्स कितना आ गया, बोल सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू टू बाई फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, ये आ गया आपका ए इनवर्स। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था ना, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा ये दूसरा मेथड भी होता है ना, ये तो आपका थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया जो आपको थोड़ा टफ लगेगा, है ना, ये तो आपको करना ही एलिमेंट्री मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप दूसरे मेथड में क्या करते हैं कि सिंपल आपको एक मैट्रिक बताता हूँ, है ना, इसको मैंने एक सॉर्टेड में ऐड किया हुआ है, मतलब कि इनवर्स ऑफ अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बाई इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मिनट लगता है आपका, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, है ना, तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली अब मैं एक मैट्रिक्स टू बाई टू का पहले बताऊंगा, उसके बाद कल मैं थ्री बाई थ्री का बताऊंगा, ठीक है, है ना। तो आप क्या कर सकते हो उससे, उसका फायदा बहुत होता है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, हमको तो नहीं पता नहीं कि आंसर सही गलत है, है ना, या तो आप ए इनवर्स इंटू ए को मल्टीप्लाई करो, आई आ जाए 1001, तो आपको वो भाई टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। उससे अच्छा आपको कोई मेथड बताओ, आप डायरेक्टली निकाल लो, अगर बोर्ड में टू बाई टू का अगर टू मार्क्स आएगा ही ना, ठीक है, अगर मान लीजिए थ्री बाई थ्री अगर फाइव मार्क्स आता है, ठीक है, तो थ्री बाई थ्री बहुत ज़्यादा चांसेस हर बार आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, एक शॉर्ट ट्रिक सीख लें कि हमको आंसर पहले पता चल जाए, जब आंसर हमको पहले पता चल जाएगा तो चीज़ों करने लेकिन हाँ उस मेथड से आपको बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। मान लीजिए कोई अगर स्टेट लेवल पे कहीं भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आ रहा है वहाँ पे कर दीजिए, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रहा है वहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं मांगता है ना, वहाँ पे सिंपल आपके बबल फिल करना होगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी ये कॉलेज लाइफ में नहीं करना है, है ना, ठीक है, मतलब कि कॉलेज की कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, हो सकता है टीचर्स के साथ दिक्कत हुआ ना फिर बाद में, है ना, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में एलिमेंट्री मेथड लिख के आता है, तो आप एलिमेंट्री मेथड लगाओगे, है ना, ठीक है। उसके बाद जरा बात करते हैं शॉर्टकट की, डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, है ना। तो आपका क्या है शॉर्टकट टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सिंगुलर में मैट्रिक्स लिखते हैं, प्लूरल में क्या लिखते हैं, मैट्रिसेस, है ना, तो मैट्रिक्स भी सही मैट्रिसेस भी सही है, ठीक है। अच्छा शॉर्ट मेथड बोलता क्या है, टू बाई टू का मैट्रिक्स है, दो रो दो कॉलम होगी, हमने ज्यूम किया एक मैट्रिक्स है ए बी सी, एक लेक्चर में ये मैं दो बाई दो को, है ना, मैंने दो बाई दो को बता रहा हूँ, तीन बाई तीन की नहीं बता रहा हूँ, टू बाई टू का बता रहा हूँ जिसका ऑर्डर टू क्रॉस टू हो, ठीक है। मैंने लेक्चर में एक आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है, है ना, तो डिटरमिनेंट होता क्या है, मॉड ऑफ ही होता ही नहीं होता है, और मॉड ऑफ ही क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, इसका कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, देखो ए डी माइनस बी सी क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ये क्या आ गया, मॉड आ गया। आपको करना क्या है, इसको लिखना है a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई मॉड ऑफ a, ये भी क्या होता है, a इनवर्स की डेफिनेशन होती है, क्या होती है डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई मॉड ऑफ a। अभी फॉर्मूला पढ़ोगे, है ना, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, अभी फॉर्मूला याद कर लो, है ना, यहाँ मैं ट्रिक में बताऊंगा कैसे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा करना क्या होता है, जब a इनवर्स आप निकालोगे तो उसका मॉड निकालो, उसको डिनोमिनेटर में रख दो, क्या है, ए डी माइनस बी सी रख दिया, ठीक है। जो मैट्रिक्स हैं उनके इन एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पे डील कर दो, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। जो रिमेनिंग बचे हैं वहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस बी माइनस सी, आपका ए इनवर्स मिल गया, सिंपल है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, है ना, ठीक है, ये तो पढ़ोगे डिटरमिनेंट में, है ना, ठीक है। अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये अच्छी बात हो गई, है ना, एक तरह से करना क्या होगा, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट करो, ए डी माइनस बी सी निकालो, डिवाइड कर दो वन अपॉन ए डी माइनस बी सी, उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो,
जहां पर एक डी, जहां पर डी है वहां पर ए कर दो, तो डी ए, और यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड, और ये चीज जो आई, ये सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी बाद में, है ना। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था वो क्या था आपका, उसको करते हैं। आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए फट से, है ना, एलिमेंट्स लिख के आपने सीधे शॉर्ट ले लिया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था ए इज इक्वल टू टू वन वन माइनस टू, ए इज इक्वल टू क्या था, टू वन वन माइनस टू, ठीक है। अच्छा इसका अगर मॉड ऑफ ए निकाला जाए तो मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, मतलब इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो टू इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू वन कितना आ जाएगा, माइनस का फोर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव, है ना। डिवाइड किससे करना है, माइनस फाइव से, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस फाइव, है ना। देखो वही किया, ये माइनस सी, ठीक है। उसके बाद इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज, तो माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस, देखो प्लस था दोनों माइनस कर दिया, सेम फॉर्मूला लग गया। अभी माइनस का कहाँ होगा, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, मैट्रिक्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का सब में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस टू बाई माइनस फाइव माइनस वन बाई माइनस फाइव माइनस वन बाई माइनस फाइव माइनस टू बाई माइनस फाइव बन गया। अब ये देखो माइनस का कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आंसर क्या है आपका, अच्छा ये नहीं कैंसिल होगा, प्लस का टू बाई माइनस फाइव है ना, टू बाई माइनस फाइव, ठीक है। देखो टू बाई माइनस फाइव था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू टू बाई फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, यही तो आया था इतना चीज करने के बाद, कुछ भी नहीं मेथड में, है ना। अभी ये क्वेश्चन जल्दी फट से देखते हैं, है ना। आप इसी शॉर्ट थ्री से निकालिए, कितना आसान होता है निकालना, ठीक है। अभी मैं जो पॉसिबल नहीं होता उसका मैं करवा देता हूँ, फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बता देता हूँ, उसके बाद कल पढ़ेंगे थ्री बाई थ्री का, है ना। तो आपको मैट्रिक्स फिनिश हो जाएगा, इसमें इसके बाद में डिटरमिनेंट स्टार्ट कर लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन में कराता रहा हूँ क्विज, है ना। तो बात करते हैं कि हमारा एक कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वन टू टू वन, ये ले लिया हमने। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, वन माइनस फोर क्या आ जाएगा नीचे, पहले तो यहाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस फोर, ब्रैकेट में वन इंटू वन वन हो गया, माइनस टू इंटू टू क्या हो गया, फोर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों के इंटरचेंज, तो यहाँ पे वन यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस, तो माइनस टू माइनस टू आया होगा। देखो वन माइनस थ्री, वन माइनस फोर क्या होगा, माइनस थ्री क्या होगा, वन अपॉन माइनस का थ्री। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस टू वन, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे माइनस थ्री क्या होगा, सब में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, ये क्या होगा, टू बाई टू का मैट्रिक्स हो गया आपका, इनवर्स निकालना हो गया। कितना सिंपल है, देखो यार आप एलिमेंट्रीज करके लेके आओगे इसे, है ना, तो वो सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाएगा, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात करते हैं आपका सिंपल, कि हम देखो कैसे पहचाने कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या, इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों मेथड से, है ना। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये एक्चुअल में है क्या, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए। तो ए इनवर्स को लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, लिख सकते हैं ना। देखो कि इसका इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होगा, जब मॉड ऑफ ए क्या हो जाए, जीरो, मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये बढ़ हो गया डिटरमिनेंट में, ठीक है। अगर मॉड ऑफ ए जीरो हो गया तो आपका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा इक्वेशन का, ठीक है, है ना, ठीक है। और अगर एलिमेंट्रीज कर रहे हो, कोई एक हो या कॉलम जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों मेथड्स करके देखते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, दोनों मेथड्स करके देखते हैं। तो इसको एक काम कीजिए, इसको टू कर दीजिए और इसको कर दीजिए वन, ठीक है, आपके लिए मजा आ जाएगा, है ना। देखो इसको टू कर दिया क्या, इसको वन कीजिए, इसको टू कीजिए, इसके पहले में टू था क्या, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे जब हम इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करते थे, चलो हम पहले एलिमेंट्री लगाएं, तो एलिमेंट्री में क्या होगा, ए इज इक्वल टू आई ए होगा, क्यों होगा, ए लिख लीजिए, ए क्या है, वन टू वन टू, आई क्या है, वन जीरो जीरो वन इंटू ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस यहाँ पे वन पहले से बना हुआ है, यहाँ पे क्या करना बनाना है, जीरो, तो किस में लगाना है, R1 को R2 में लगाना है, तो क्या लिखोगे, इन R2 R2 माइनस R1, है ना, इन R2 R2 माइनस R1, तो यहाँ क्या होगा, 1 2, और यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, बना नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा,
वन माइनस जीरो, ये तो ओवरलैपिंग और सेम रहेगी, वन जीरो नीचे तो क्या हो जाएगी मतलब आर टू माइनस आर वन, तो जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, और वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा वन, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ए। अब देखो जरा ध्यान से गौर से, यहाँ पे मैट्रिक्स में ये रो क्या होगी पूरी जीरो, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बिकॉज द रो ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो हेंस द एग्जिस्टेंस द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आपको लाइन लिखनी है या मैट्रिक्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा दूसरा मेथड क्या था जो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे थे, उससे जरा सीखे कैसे हो रहा था, है ना, समझ में आ रहा ना आपको, जो पहले एग्जाम्पल है वो आसान समझाया, ठीक है, उससे क्या हो रहा था, अब जरा शॉर्टकट लगाते हैं, है ना, तो शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था, क्या होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, है ना, तो यहाँ पे जरा देखो जब ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा वन अपॉन टू माइनस टू, क्या गया टू माइनस टू, और अंदर क्या बचा, इन दोनों क्या कर दोगे इनवर्ट वन टू, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन, लेकिन ये चीज क्या हो गई जीरो, तो वन अपॉन जीरो आ गया, और ये आएगा क्या इन्फिनिटी, कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल है नहीं, तो इनवर्स का इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो जब एलिमेंट्री लगाओगे तो ये कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम जीरो हो जाए तब इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, है ना, लेकिन जब एडजॉइंट ऑफ ए लगाओगे तो उसका मॉड कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इन केस ऑफ डिटर्मिनेट इज इक्वल टू जीरो, इन केस ऑफ डिटर्मिनेट इज इक्वल टू जीरो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, और द मैट्रिक्स शुड नॉट एग्जिस्ट, है ना, मैट्रिक्स कभी भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर कि आप कभी भी मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी आ रहा है, अगर मॉड ऑफ ए जीरो हो गया मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मॉड ऑफ ए जीरो मतलब क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में रो जीरो हो गई, रो जीरो हो गई तो आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, या मॉड ऑफ ए जीरो हो गया तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, वन बाई जीरो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। चलो ठीक, ये तो बात होगी मोटी मोटी हमारी इनवर्स निकालने की, है ना, तो आप इस प्रैक्टिस कीजिएगा जो डाउट को पूछना है ना, ठीक है। अब बात करते हैं दो मैट्रिसेस कब आपके इन्वर्टिबल होते हैं, है ना, तो दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का आप एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहली बात तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में उनके कंडीशन आप लिखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना, सबसे पहली बात तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एम का है, इफ मैट्रिक्स एम एम क्रॉस एम का, देन बी शुड बी एम क्रॉस एन, इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर थ्री, ये क्या है देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बोल देता जल्दी से, उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर मान लो जो आपने ए बी ए को बी से मल्टीप्लाई किया वो आई के इक्वल आ जाए, है ना, या बी को ए से मल्टीप्लाई करो वो भी आई के इक्वल आ जाए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कैसे हो जाएंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस, कैसे हो जाएंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार इसको इसके इक्वल लो, तो ए बी इज इक्वल टू आई होगा, है ना, आप एक काम को बहुत सारे इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, कितना आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई, आई इंटू बी क्या होगा बी, है ना, इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा ए इनवर्स, तो क्या आ गया यहाँ पे देखो जरा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स पहली कंडीशन मिल गई, या आई इज इक्वल टू बी ए होगा, है ना, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या ले सकते हो i अपॉन a, ऐसा भी कर सकते हो, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा i इंटू ए इनवर्स, i इंटू इनवर्स क्या होगा a इनवर्स, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा वन, देखो b इज इक्वल टू a इनवर्स है एंड a इज इक्वल टू b इनवर्स है, या ऐसे लिख सकते हो i इज इक्वल टू b a, है ना, तो यहाँ से b को आप a को रोक लीजिए तो a इज इक्वल टू i बाई b, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b इनवर्स, देखो b क्या है a इनवर्स है, a क्या है b इनवर्स है, देखो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे को इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो मैट्रिक्स कैसे हैं इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो हमने आज क्या देखा है, अब ये ठीक है मैं इतना पढ़ूंगा आज, है ना, आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा कुछ अच्छे, मैं आपके आईआईटी जेईई क्वेश्चंस करवाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है, तो 3x3 का मैं कल बता दूंगा, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसमें बहुत चीज़ें भी बची है, जैसे आपको 3x3 में बताऊंगा आपके अकॉर्डिंग तो खत्म हो जाएगा, बट मुझे रैंक पढ़ाना है कि रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंक पढ़ाना पड़ेगा तो रैंक में पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, है ना, 3x3 के इनवर्स के साथ और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, आज शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी क्या था, ए बी सी डी वन अपॉन डी माइनस बी सी ब्रैकेट में इन ब्रैकेट डी माइनस बी माइनस सी ए, सिंपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दो इन्वर्ट कर दो, बाकी को माइनस कर दो, सिंपल।
ठीक है, आपका क्या हो गया 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया। इनवर्स का कब पॉसिबल नहीं होगा, जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं भी एक रो या कॉलम जीरो हो जाए या मॉड ऑफ ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, अगर कोई रो या कॉलम जीरो है एलिमेंट्री में तभी इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।